स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का आज हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल सिलेबस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यह, तो थोड़ा ध्यान से इसका स्टडी करो आप सब, ठीक है। हर एक वीडियो तो इस चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। सब मैंने ये चैप्टर सब्जेक्ट जो है वो पूरा डिटेल में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हर एक पॉइंट विद न्यूमेरिकल के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर में आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी 70 मार्क्स की, जिसके लिए आपको टाइम रहेगा 4 आवर्स का, और 70 में से आपको 28 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ इसमें प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है 30 मार्क्स के। तो 30 में से देखो 10 मार्क्स रहेंगे माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स रहेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव असेसमेंट का भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। और उसके बाद देखो टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है, 70 प्लस ये 30, ठीक। तो 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल भी है, जिसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी प्रैक्टिकल बेस्ड। तो 25 मार्क्स की एग्जाम रहेगी, उसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और उसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है 25 मार्क्स की, जिसमें 10 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से 25 प्लस 25 50 में से आपको 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से टोटल सेमेस्टर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अभी आप थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में हो, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखो टोटल सिलेबस में यहाँ पे हमें टोटल 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का हमें स्टडी करने का है, और चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिया है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर देखो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि 6 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी सब कुछ वीडियो बना के आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड चैप्टर देखो डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन 14 मार्क्स के लिए है। थर्ड चैप्टर देखो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन है, 12 मार्क्स के लिए ये भी एग्जाम में आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखो डिजाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट एंड बॉन्ड, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ जाएगा। यूनिट नंबर 5 देखो डिजाइन ऑफ स्लैब है, ठीक है, स्लैब किस तरह से डिजाइन करते हैं, पूरा चैप्टर में इस चैप्टर में कवर हो जाएगा, जो कि 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। और 6th चैप्टर देखो डिजाइन ऑफ एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम्स एंड फुटिंग्स है, जो कि 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो इस तरह से 70 मार्क्स हो जाते हैं, और इसमें से आपको 28 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में पास हो जाओगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो सभी देख लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टडी किया है, तो आप इसमें आराम से 60 के ऊपर मार्क अचीव कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान से सॉल्व करने का, कैलसी में जो भी आप कैलकुलेशन करते हो वो भी थोड़ा ठीक से कैलकुलेशन करने का, तभी जाके आंसर आपका सही आता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट कैलसी में ही कुछ तो गलत कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो वो अलग पार्ट है। तो अब हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस इंडिविजुअल यूनिट वाइज चैप्टर वाइज हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि 6 मार्क्स के लिए आएगा, और उसमें सिलेबस देखो, सिलेबस में सबसे फर्स्ट हम स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम स्टील से यूज करते हैं वो देखेंगे, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो 1.2 में स्टील स्ट्रक्चर है, उसमें टावर्स है, रूफ ट्रसेस है, वाटर टैंक है, ब्रिजेस है, गैंट्री है, एंड क्रेन गर्डर है, कॉलम है, चिमनी है, बिल्डिंग फ्रेम्स है, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम स्टील का यूज करते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको इमेजेस के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 1.2 में, 1.3 में हमने टाइप्स देखे हैं,
ग्रेड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील सेक्शन, स्टील के अलग अलग ग्रेड रहते हैं उसकी स्ट्रेंथ हमने डिस्कस किया है, स्टील टेबल डिस्कस किया है, IS 808-1989 भी डिस्कस किया है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। 1.4 में देखो लोड एक्टिंग ऑन स्टील स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू IS को, ठीक है, IS 875-1987 पार्ट 1 to पार्ट 4 इस IS कोड में दिया है किस तरह से लोड एक्ट होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, ये पूरा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1.5 में देखो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन है, उसकी मीनिंग्स टाइप्स पूरा डिस्कस किया है, लिमिट स्टेट लोड डिजाइन क्राइटेरिया, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये सब कुछ हमने देखा है। और 1.6 में देखो फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर एज पर द IS कोड IS 800-2007, ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस तरह से टोटल 6 पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, जो कि 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा विथ क्वेश्चन के साथ, आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से फाइनल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं पॉइंट वाइज, आप एक्सप्लेनेशन देख लो, वीडियो अवेलेबल रहेंगे, अगर अच्छा लगता है तभी ज्वाइन करो चैनल को। तो फर्स्ट यूनिट हो चुका है, सेकेंड यूनिट देखो डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन, ये भी 14 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर एग्जाम में डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन, उसमें देखो टाइप्स देखेंगे 2.1 में टाइप्स, यूजेस ऑफ बोल्ट एंड जॉइंट देखेंगे, ब्लैक बोल्ट है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है, मोड्स ऑफ फेल्योर, ये सब कुछ हम डिस्कस किया है ऑलरेडी, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। 2.2 में देखो स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट होल्स है फॉर बोल्टेड कनेक्शन, 2.3 में देखो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर टेंशन बेयरिंग एंड एफिशिएंस ऑफ जॉइंट देखेंगे, उसके बाद देखो 2.4 में एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट फॉर एक्सेली लोडेड प्लेट्स है, सिंगल एंड डबल एंगल मेंबर्स, उसके लिए भी बोल्टेड कनेक्शन जॉइंट किस तरह से होता है वो सब कुछ हम देखेंगे 2.4 में। 2.5 में देखेंगे वेल्डेड कनेक्शन, उसमें टाइप है बट एंड फिलेट वेल्ड, ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, थ्रॉट थिकनेस क्या होती है, सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 2.6 में हम एनालिसिस ऑफ डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट फॉर प्लेट, ठीक है, फिलेट वेल्डेड जॉइंट हम देखेंगे, सिंगल एंड डबल एंगल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, तो न्यूमेरिकल्स है वो भी हम पूरे डिस्कस किया है, ठीक है, आपको हर एक पॉइंट के ऊपर डीप में एक्सप्लेनेशन करके वीडियो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 जो है डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसका वेटेज है 14 मार्क्स। अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट है देखो एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ये भी 12 मार्क्स के लिए आता है। देखो उसमें 3.1 में RCC देखेंगे, RCC मीन्स उसमें फंक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, मटेरियल प्रॉपर्टीज देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट देखेंगे, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर देखेंगे, फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड देखेंगे, डिजाइन लोड एज पर द IS 456 देखेंगे। उसके बाद देखो 3.2 में टाइप्स ऑफ लोड एंड कॉम्बिनेशन एज पर द IS कोड, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। 3.3 में देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देखेंगे, उसमें जितना भी सिलेबस है पूरा ऑलरेडी डिस्कस किया है। 3.4 में देखो अंडर रेनफोर्स्ड ओवर रेनफोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन देखेंगे, बीम का टाइप है यह। उसके बाद देखो 3.5 में IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेसिंग कवर मिनिमम रेनफोर्समेंट इफेक्टिव स्पैन इन बीम क्या होता है, मिनिमम कवर कितना होता है, सब कुछ हम 3.5 में एज पर IS कोड डिस्कस करेंगे। 3.6 में देखो एनालिसिस एंड डिजाइन है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजाइन कांस्टेंट है, अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो ये इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 3 में, तो वो भी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और ये 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 यहाँ पे डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट एंड बॉन्ड, ये भी 10 मार्क्स के लिए आता है।
और इसमें देखो सिलेबस देखो 4.1 में हम शेयर देखेंगे, इसमें मीनिंग है शेयर इन बीम एंड स्लैब है, आईएस कोड स्पेसिफिकेशन है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ शेयर एनफोर्समेंट है, यूज ऑफ बेंट अप बार क्यों यूज करते हैं, जोन ऑफ मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट, सब कुछ सिलेबस हम 4.1 में डिस्कस करेंगे। और 4.2 में है बॉन्ड, ठीक है, मीनिंग ऑफ बॉन्ड एज पर द आईएस कोड प्रोविजन, ठीक है, ये सब कुछ सिलेबस हम 4.2 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 का सिलेबस हो चुका है, यूनिट नंबर 5 का देखते हैं डिजाइन ऑफ स्लैब, ये भी 14 मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही है आते हैं इस यूनिट नंबर 5 के ऊपर। और उसमें सिलेबस देखो 5.1 में स्लैब्स है, सपोर्ट कंडीशंस है, आईएस स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन, स्टील स्पेसिंग एंड कवर फॉर रेनफोर्समेंट, इफेक्टिव स्पैन है और मिनिमम रेनफोर्समेंट है। उसके बाद देखो 5.2 में लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी है फॉर स्लैब के लिए, फॉर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया ओनली। उसके बाद 5.3 में डिजाइन ऑफ वन वे एंड कैंटिल्योर स्लैब इंक्लूडिंग डेवलपमेंट लेन चेक ओनली, ठीक है, तो वन वे स्लैब का डिजाइन है और कैंटिल्योर स्लैब का डिजाइन है, वो डिजाइन करना भी मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर विथ न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड किया है इसी चैनल के ऊपर। 5.4 में देखो डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब विथ फोर एज डिसकंटिन्यूस एंड प्रोविजन ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर एज पर द आईएस कोड, ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन ओनली, ये सब कुछ हम 5.4 में देखेंगे। तो इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 5 में जो कि 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर लास्ट डिजाइन ऑफ एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम्स एंड फुटिंग्स जो कि 14 मार्क्स के लिए ये भी चैप्टर है। और उसमें सिलेबस देखो सबसे फर्स्ट 6.1 में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कॉम्प्रेशन अजम्पशन है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है, स्लेंडरनेस रेशियो है, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम्स है एंड मिनिमम इसेंट्रिसिटी है। 6.2 में आईएस स्पेसिफिकेशन फॉर रेनफोर्समेंट इन कॉलम्स है। उसके बाद देखो 6.3 में लोड एनालिसिस फॉर कॉलम्स है। 6.4 में डिजाइन ऑफ एक्सेली लोडेड शॉर्ट स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम्स है, ये भी हम देखेंगे। 6.5 में देखो वेरियस आरसी फुटिंग है, ठीक है, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट फुटिंग्स है, उसमें आइसोलेटेड एंड स्लोप्ड फुटिंग्स हम डिजाइन करेंगे, कंबाइंड फुटिंग भी है और पाइल्स भी है। उसके बाद 6.6 में देखो आईएस स्पेसिफिकेशन फॉर रेनफोर्समेंट इन फुटिंग एज पर आईएस कोड, फुटिंग में रेनफोर्समेंट किस तरह से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। 6.7 में देखो डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड स्क्वेयर स्लोप्ड फुटिंग है, वो भी हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, चेक भी है उसके लिए, वन वे शेयर का, टू वे शेयर का चेक है, बॉन्ड का चेक है, ठीक है, वो सब कुछ हम देख लेंगे, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से इतना सिलेबस है यूनिट नंबर 6 में। तो इस तरह से टोटल सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया और उसके बाद हमने पूरा सिलेबस भी देख लिया है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।